फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में जो सी ड्राइव है उसमें रेड कलर का कुछ इस तरीके से वार्निंग आ रही है, मतलब मेरी सी ड्राइव ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अभी जो दिखाया हुआ है इसमें 15 GB का फ्री स्पेस दिखाया हुआ है जो कि सफिशिएंट नहीं है, इसलिए रेड हो गया है, अदरवाइज ब्लू होता। तो इसको आपको कैसे क्लीन करना है इसका प्रोसेस आज वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको 2-3 स्टेप फॉलो करनी है, उसके बाद मैं फाइनल स्टेप पर बताऊँगा आपको कि लास्ट में आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपनी टेम्परेरी फाइल को पहले सबसे पहले डिलीट करना है, ठीक है, ये पहला प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पर %temp लिखना है, %temp% लिख के इसमें एंटर मारना है। एंटर मार के आपको जो भी यहाँ पे फाइल्स दिखेंगी आपको शिफ्ट डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा कि कुछ जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी जो स्पेस को लेती है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, तो हो सकता है कि आपकी सी ड्राइव का डेटा इसमें से काफ़ी सारा जो है जो गार्बेज फाइल्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएँ और कुछ स्पेस आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को थोड़ा बहुत स्पेस मिला होगा, अभी दिख नहीं रहा इसमें। तो अब मैं यहाँ पर अपनी सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, तो यहाँ पर टेम्परेरी फाइल तो अपन ने डिलीट कर दी है, टेम्परेरी फाइल के बाद हमको यहाँ पर अपनी नॉर्मल टेम्परेरी फाइल को डिलीट करना है जो कि सी ड्राइव के अंदर वो एक फोल्डर बना के होती है। तो मैंने यहाँ पर TEMP लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखाना, आपको TEMP लिखना है और एंटर करना है। अब यहाँ पर कुछ लॉक्स फाइल्स जो हमारे कंप्यूटर रिक्वायरिंग चलता रहता है उसकी लॉक्स फाइल्स बनती रहती है जो कि सीधे डायरेक्ट आपकी सी ड्राइव को इंपैक्ट करती है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पर कंटिन्यू का आपको ऑप्शन मिल सकता है यदि आपने कोई लिमिटेड अकाउंट से इसको किया होगा, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटर का होगा तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर देना है, ओके करके कर देना है। जो फाइल्स डिलीट नहीं होती उसको आपको यहाँ से स्किप कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके स्किप कर सकते हो, ठीक है, एक बार कर सकते हो स्किप। अब ये यहाँ पे जो फाइल्स डिलीट नहीं हुई है कोई बात नहीं, अब आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्पेस अभी भी खाली हुआ है, ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर क्योंकि GB में अभी। तो अब तीसरी स्टेप आपको मैं बताता हूँ क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे प्रीफेस लिखना है, PREFETCH, ठीक है, PREFETCH आपको टाइप करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी फाइल्स लिखती हैं उसको शिफ्ट डिलीट कर देना है, ठीक है, ये मैंने शिफ्ट डिलीट कर दिया है, एक ही बार में डिलीट हो गया, नहीं तो आप स्किप कर देना जो फाइल डिलीट नहीं होती है। अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है, अभी तो देख सकते हैं कि सी ड्राइव का स्पेस इसमें एज इट इज़ है, मतलब इतना ज़्यादा खाली नहीं हुआ है। तो अब मुझको लास्ट स्टेप में क्या फॉलो करना है, आपको सी ड्राइव को सर्च करना है कि आपके सी ड्राइव में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके स्पेस को बढ़ा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली आप Windows 10 यूज़ कर रहे हो, 11 यूज़ कर रहे हो, आपको सिंपली आप स्टोरेज टाइप करना है, STORAGE। जैसे आप स्टोरेज टाइप करेंगे तो स्टोरेज सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सी ड्राइव में ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है, ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो आपका ड्राइव का स्पेस को बढ़ा रहे हैं, अब आपको उसको देख के ईजिली डिलीट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 68 GB के हैं जो मेरी इस सी ड्राइव को इम्पैक्ट कर रहे हैं, सी ड्राइव का स्पेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मुझको यहाँ पे क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को मैं देख सकता हूँ कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो व्यू डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे ओपन हुए हैं, कुछ फोल्डर्स हैं जो मेरा ड्राइव का स्पेस ले रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई कौन सा क्या है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बाई साइज़ कर दूँगा डिटेल्स, और यहाँ पर साइज़ के हिसाब से मैंने इसको असेंबल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाला होगा, मतलब इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ जिससे कि मुझको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये जो है फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर 0 byte स्पेस है, इसका मतलब मेरे को नीचे से चलना है, क्योंकि पहले सेकंड वाले में भी 0 होगा, ठीक है, इसका मतलब नीचे वाला जो है मेरा उसमें ज़्यादा स्पेस होगा। तो इसके अंदर 0 byte है, इसके अंदर कितना है देखिए गाइस, इसके अंदर 37 GB है, ठीक है। अब मुझको देखना है कि भाई फिल्मोरा के अंदर ऐसा क्या है, तो फिल्मोरा के अंदर मैं पहले चेक करता हूँ, एक एक फोल्डर करके देख लेता हूँ एक बार, इसमें नहीं है रैंडमली, इसमें क्योंकि प्रॉक्सी वाले में देखिए इसके अंदर अब मुझे कुछ फाइल्स मिल रही हैं, इसका मतलब ये जो जितनी भी वीडियोज़ हैं ये मेरे सी ड्राइव के अंदर सेव्ड है, इसको मुझे डिलीट करना होगा तभी मेरा स्पेस का साइज़ बढ़ेगा मेरे सी ड्राइव का। तो मैं इन सभी वीडियोस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। आप इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ये तो एक ऑप्शन है ये डिलीट करने का। मेरा सी ड्राइव का स्पेस, और आप देख सकते हैं कि 52 GB स्पेस मेरा फ्री हो चुका है। अब यहाँ पर मैं वापस से बैक करता हूँ और देखता हूँ
कि अभी भी मेरा कितना स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको बंद करके स्टोरेज को वापस से ओपन करता हूँ। STORAGE स्टोरेज सेटिंग को मैंने ओपन किया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्पररी फाइल्स हैं, एप्स हैं मेरी, यहाँ पर अभी भी स्पेस ले रही हैं। तो टेम्पररी फाइल्स को हम क्लीन करते हैं सबसे पहले। तो टेम्पररी फाइल्स जो हमने परसेंटेज और नॉर्मल किया था उससे तो क्लीन हो गई, बट यहाँ पे इंटरनल जो इसका स्पेस कंज्यूम करती हैं उसको भी आपको क्लीन करना होगा। तो सिंपली आपको इस तरीके से टिक मिले होंगे, आप डाउनलोड्स वाले को नहीं डिलीट करना चाहते कोई बात नहीं, अदरवाइज़ बाकी जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं आप कर सकते हो ईजिली, जो वैसे बाई डिफॉल्ट से। तो यहाँ पे रिमूव फाइल्स में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये सारी फाइल्स को क्लीन करने के लिए करना स्टार्ट कर दिया इसने। इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को भी क्लीन कर सकते हो, ये क्लीन हो जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप्स आपको इंस्टॉल करने, जो आपके ऐप्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हो यहाँ पे आके। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ ऐप्स मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी ऐप्स इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर उसका साइज़ भी मैंशनड है कि मेरा कितना कितना साइज़ कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर ऐप्स में। तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ऑटो कैड का जो है मेरा इतना कंज्यूम कर रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद वो ऐप आपकी इंस्टॉल हो जाएगी और जो भी उसका स्पेस होगा वो आपकी सी ड्राइव को अलॉट हो जाएगा और आपकी सी ड्राइव फ्री हो जाएगी। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसका आप यूज़ करके इजीली सी ड्राइव को अपनी क्लीन कर सकते हो, ये नॉर्मल स्टेप्स हैं। और फिर भी आपको यदि कोई अदर स्टेप पे जाना है, ठीक है, यदि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी आपकी सी ड्राइव का स्पेस क्लीन नहीं हुआ है, तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दो वीडियो की लिंक डाली है, आप उसको देख सकते हो क्योंकि उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप इजीली अपनी सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हो। आपको दूसरी हार्ड डिस्क से अपना स्पेस को ले लेना है और वो आपकी सी ड्राइव में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।